नमस्कार दोस्तों, जीएडीएस अकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ जीके के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ, जिसका टॉपिक का नाम क्या है, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की परतें। वायुमंडल की परतें पढ़ने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स तुम लोगों को फैक्चुअल बताना चाहूंगा, जो की बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट है, वायुमंडल की ऊपरी परतों के अध्ययन को एरोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरोलॉजी। और निचली परतों के अध्ययन क्या बोलते हैं? मेट्रोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कभी कभार क्वेश्चंस में एग्जाम के टाइम पे ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वायुमंडल की ऊपरी परतों का अध्ययन क्या बोलते हैं, तो आप क्या बोलोगे? एरोलॉजी। ठीक है, तो इसे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है कि वायुमंडल कहां तक फैली हुई है? 10,000 किलोमीटर तक फैली हुई है। उसका तीसरा पॉइंट क्या है कि वायुमंडल में बहुत सारे गैसेस भी है, जिसका एक अपना परसेंटेज भी है कितनी मात्रा में वो हमारे वायुमंडल में मौजूद है। तो वायुमंडल में मुख्य रूप से चार गैसे, या बहुत ज्यादा और भी बहुत सारी गैसेस है, लेकिन जो मेन चार गैसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में बताऊंगा। फर्स्ट वन इज नाइट्रोजन, जो लगभग हमारे एटमोस्फेयर में 78% मौजूद है। और उसके बाद ऑक्सीजन आता है, जो 21.9% अप्रोक्स है। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी मात्रा कितनी है? 0.03%। उसके बाद क्या है? आर्गन, जिसकी परसेंटेज कितनी है? 0.9%। तो ये हमारी मुख्यतः चार गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है, वायुमंडल को तापमान और अन्य घटकों के हिसाब से पांच परतों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से पांच परतों में बांटा गया है? पहला है सौरमंडल, जिसे इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। समताप मंडल, जिसे इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। मध्य मंडल, जिसे इंग्लिश में मेसोस्फेयर बोलते हैं। फोर्थ वन इज आयन मंडल, जैसे इंग्लिश में आयन मंडल या तो थर्मोस्फेयर बोलते हैं। और लास्ट वन इज बहिर्मंडल, जिसको इंग्लिश में एक्सोस्फेयर बोलते हैं। अब हम इसके बाद इस पांचों मंडलों के बारे में, पांचों जो परत है हमारे एटमोस्फेयर के, उसको क्या करेंगे? वन बाय वन ग्राफिकली समझेंगे, ताकि हमें आसानी से चीजें क्या हो समझ में आ जाए। तो चलिए हम अपने पहले परत के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या था? सौरमंडल। सौरमंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन सी घटनाएं होती है? इसके अंदर क्या वायुमंडल की सारी घटनाएं होती है। अब वायुमंडल की घटना क्या मतलब है कि बारिश का होना, बिजली गड़कना, जितनी भी सारी चीजें होती है ना, सारी चीजें होती है हमारी ट्रोपोस्फीयर में होती है। ठीक है, इसका डिस्टेंस हमारा कहां से होता है? 18 किलोमीटर, लगभग 0 से लेके 18 किलोमीटर तक होता है। इसके अलावा क्या है इसके अंदर कि सबसे ज्यादा घनत्व किसमें होता है? ट्रोपोस्फीयर के अंदर ही होता है। उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट किसमें देखने को मिलती है? हमें ट्रोपोस्फीयर के अंदर ही देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद हम अपने सेकंड पॉइंट पे जाएंगे, सेकंड परत के बारे में, जिसका नाम क्या है? समताप मंडल। समताप मंडल क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर, जो कहां तक है? फैला हुआ है लगभग 18 से 150 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसके अंदर क्या है? ओजोन लेयर भी क्या होती है? मौजूद होती है। ठीक है, ओजोन लेयर भी किसमें मौजूद होते हैं? समताप मंडल में। एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि ओजोन परत कौन से स्फीयर में, कौन सी परत में, सॉरी कौन सी परत में मौजूद होता है? तो क्या आंसर आएगा उसमें? समताप मंडल। और सीटेट के बैच की बात करें तो उसमें एक क्वेश्चन बनता है कि हवाई जहाज कौन से परत पे उड़ाई जाती है, तो उसका आंसर क्या होगा? तो संताप मंडल। ठीक है, तो ये बहुत दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं इसमें से संताप मंडल के बारे में। पहला तो क्या कि ओजोन लेयर कौन से परत पे पाई जाती है, तो क्या आंसर आएगा? संताप मंडल। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? हवाई जहाज किस मिशन से परत में उड़ाई जाती है, तो वो भी कहां उड़ाया जाता है? संताप मंडल के अंदर। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली यही है। और ओजोन लेयर क्या है? ओजोन परत क्या काम करती है कि जो सूरज है, सूरज से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, उसे क्या करती है? वापस ऊपर रिफ्लेक्ट के दे देती है, ताकि वो धरती पर तक पहुंच ना पाए। ठीक है, ये जैसा काम है ओजोन परत के बारे में। अब हम अपने तीसरे स्फीयर के बारे में आएंगे, जिसका नाम क्या है? मध्य मंडल। मध्य मंडल का मतलब क्या है? मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हमारे जो वायुमंडल में कुछ अनेक उल्कापिंड है, मेट्रोइड्स है, जो कभी कभी क्या होते हैं? हमारे धरती पर भी आ जाते हैं, एटमोस्फेयर में एंटर कहाँ आते हैं? कोशिश करते हैं हमारे एटमोस्फेयर में एंट्री
कर लेते हैं, तो उस पर क्या करता है मेटोइड्स इसको यहीं पे समाप्त कर देता है। तो उनका पिंड कहां तक समाप्त होता है, कौन से मल परत के हमारे मध्य मंडल में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ के एग्जाम्स में कि जो उनका पिंड होती है, जो हमारे एटमोस्फेयर में एंटर होते हुए धरती पर आने वाली होती है, वो कहां पे खत्म होती है, तो कौन सी परत बताओगे, मेजोस्फीयर यानी मध्य मंडल। ठीक है, उसके बाद हमारा फूड आता है, फूड परत का नाम क्या है, आयन मंडल, जिसका एरिया कहां से कहां तक कवर होता है, लगभग 350 से लेके 640 किलोमीटर का, कहां तक चलता है ये किलोमीटर का। ठीक है, इसके एक पाचन या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, इसमें देख बनता है कि रेडियो तरंगें कहां से परिवर्तित होती है, जब हम संचार साधन कम्युनिकेशन का जो सैटेलाइट वगैरह है हम कहां से क्या करते हैं स्थापित करते हैं, तो कहां करते हैं हम लोग आयनोस्फीयर में करता है। इसका से यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान रखने वाली चीजें हैं, उसे ध्यान रखेगा। उसके बाद हमारा लास्ट क्या आता है, 640 किलोमीटर से ऊपर क्या कहलाता है हमारा पूरा वायुमंडल, वायुमंडल कहलाता है, जिसके अंदर बहुत सारी गैसेस मौजूद होती है। अच्छा, हमें एक पॉइंट बताना भूल गया कि सौरमंडल जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, इस सौरमंडल के अंदर उसका एक अन्य नाम क्या है बेटा, संवहन मंडल, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इसका नाम क्या है, संवहन मंडल हिंदी में से बोला जाता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक समाप्त हुआ, वायुमंडल की परतें, होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की हमारी जो अपकमिंग वीडियोस होगी वो आपको टाइमली प्रोवाइड हो जाए।